स्वागत है दोस्तों आपने YouTube चैनल नॉलेज डायरो में। आज हम बात करने वाले हैं सिर ग्रीक विवाद पर। सिर ग्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर और सियाचिन जैसी ही सीमा विवाद है। सिर ग्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित पानी की 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जो भारत राज्य गुजरात और पाकिस्तान के राज्य सिंध के बीच में स्थित है। सिर ग्रीक पानी के कटाव के कारण बना हुआ है। यहाँ ज्वार भाटे के कारण यह तय नहीं किया जा सकता कि कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना हिस्सा बाहर। जल की धारा को मूल रूप से बाणगंगा कहा जाता है। सिर ग्रीक की यह धारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात के कच्छ के क्षेत्र से अलग करती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। सिर ग्रीक सीमा रेखा का यह नाम एक ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम से रखा गया था। सिर ग्रीक मामले पर विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ। वर्तमान में इस नाले का नाम सिर ग्रीक है, पर साथ ही में कच्छ के पुराने दस्तावेजों में भी इसका नाम सिर ग्रीक पाया जाता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि इस नाले में सिरी नामक मछली पाई जाती थी, जिसके नाम पर से यह नाम सिर ग्रीक पड़ा। आजादी के पहले कच्छ देश की एक प्रमुख रियासतों में से था, जिसके राजा का नाम महाराव था। 20वीं सदी के शुरुआत में कच्छ महाराव और सिंध प्रांत के तत्कालीन प्रशासन के बीच में फौजदारी मामले को लेकर विवाद शुरू हुआ। इस विवाद के बाद ही कच्छ रियासत और सिंध प्रांत की सीमा तय करने के लिए 1914 में दोनों पक्ष के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके आधार पर सीमा को चिन्हित करने के लिए सीमा पर पत्थर लगाने का काम 1925 में खत्म हुआ। पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत दावों के अनुसार वर्ष 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार को कच्छ के राव महाराज के बीच हस्ताक्षरित बंबई सरकार संकल्प के अनुसार पूरे क्रीक क्षेत्र पर उन्हीं का अधिकार है। भारत को आजादी मिलने से पहले यह क्रीक प्रांतीय क्षेत्र ब्रिटिश भारत के बंबई प्रेसिडेंसी का भाग था। भारत की आजादी के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि कच्छ भारत का हिस्सा बना। दातव्य है कि इस संकल्प पत्र में इन दोनों क्षेत्र के बीच की सीमाओं की सीमांकन किया गया, जिसमें क्रीक को सिंध के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। तभी से क्रीक के पूर्व की सीमा को ग्रीन लाइन के रूप में बताया जाता है। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान की खाड़ी के प्रदेश पर अपना मालिकाना हक जताना शुरू किया। इसके जवाब में भारत का प्रस्ताव था कि कच्छ के रण से लेकर खाड़ी के मुख तक एक सीधी रेखा को सीमा रेखा मान लेना चाहिए, परंतु यह प्रस्ताव पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। सिर ग्रीक अरब सागर में स्थित है, इस कारण यह एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। इसकी इसी विशेषता के कारण भारत के मछुआरे इन क्षेत्र का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं, लेकिन सीमा का सही निर्धारण नहीं होने के कारण वे पाकिस्तान की नौसेना द्वारा पकड़े जाते हैं। क्योंकि सिर ग्रीक क्षेत्र में सीमा का निर्धारण नहीं हो पाया है, इस कारण इस समुद्री क्षेत्र में मौजूद तेल और गैस के विशाल भंडारों का दोहन भी नहीं किया जा सकता। वैसे आसान शब्दों में कहे तो सिर ग्रीक सीमा रेखा विवाद वस्तुतः कच्छ और सिंध के बीच में समुद्री सीमा रेखा की अस्पष्ट व्याख्या के कारण पैदा हुआ है। तो दोस्तों यह था सिर ग्रीक विवाद पर का वीडियो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।